दोस्तों हमें और आप लोगों को मारुति सुजुकी बिटर अप डीजा एसयूवी का सेकंड जनरेशन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब अपडेट आई है कि मारुति सुजुकी बिटर अप डीजा एसयूवी को देखा भी गया है कि बिटर अप डीजा एसयूवी को अब ग्रैंड विटारा एसयूवी पे तैयार करके लाया जाएगा, जिससे कि अभी ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये अपकमिंग बिटर अप डीजा एसयूवी 2021 का नया मॉडल होने वाला है या एक सेकेंड जनरेशन बिटर अप डीजा एसयूवी होगा। दोस्तों ऑटोमोबाइल मार्केट में इंडियन कॉम्पैक्ट एसयूवी डोमिनेट करने वाली कार ऑफ द ईयर 2017 मारुति सुजुकी बिटर अप डीजा एसयूवी को इस फेस्टिवल सीजन में नए लुक के साथ लॉन्च किया जाने वाला है। दोस्तों मारुति सुजुकी ने 2020 एक्सपो में ब्रीजा का फेसलिफ्ट वर्जन शोकेस किया था, जिसमें कि कुछ नॉर्मल कॉस्मेटिक चेंजेस और वही सेम इंटीरियर के साथ ब्रीजा को देखा गया था। एट द सेम टाइम इसके जो भी टक्कर में कारें थी, यानी ब्रीजा के सेगमेंट में जो भी कारें थी, वो नए लुक के साथ एकदम गुड लुकिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आते रहे, जिस वजह से मारुति सुजुकी बिटारा ब्रीजा एसयूवी लोगों के नज़रों में काफ़ी ज़्यादा पुराना एसयूवी रहेगी, जिस वजह से मारुति सुजुकी बिटारा ब्रीजा एसयूवी के सेलिंग पावर पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जहां पहले 15,000 से 16,000 यूनिट एक महीना में सेल हुआ करती थी, वहीं अब 10,000 से 11,000 लगभग नीचे आ गई है। तो इसी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी अपनी ब्रीजा का सेकेंड जनरेशन मॉडल लाने की तैयारी में है, जो कि ब्रीजा का एक नया मॉडल या फेसलिफ्ट वर्जन नहीं होगा, ये एक ऑल न्यू ब्रीजा होने वाला है। दोस्तों वहीं एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बात बता दूं कि ये अपकमिंग ब्रीजा एसयूवी बेस्ड होने वाली है ग्रैंड विटारा एसयूवी पर। दोस्तों यही मारुति सुजुकी की तरफ से लगातार अपडेट आ रहे हैं कि ग्रैंड विटारा एसयूवी पर ही मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा एसयूवी को तैयार किया जाएगा। तो उसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और क्या क्या अपडेट देखने को मिलेंगे, क्या नया फीचर्स लेस होने वाला है, तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे मारुति सुजुकी की अपकमिंग न्यू जनरेशन विटारा ब्रीजा एसयूवी से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों अपकमिंग विटारा ब्रीजा एसयूवी न्यू जनरेशन एसयूवी में काफ़ी कुछ नया और एडवांस फीचर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों ये ब्रांड न्यू विटारा ब्रीजा एसयूवी बेस्ड होने वाली है ग्रैंड विटारा एसयूवी पर। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रैंड विटारा एसयूवी अपने टाइम में काफ़ी बढ़िया एसयूवी थी, तो ये अपकमिंग ब्रीजा एसयूवी उसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। और ये गाड़ी जिनेवा मोटर शो में शोकेस भी किया गया था। तो सेकेंड जनरेशन विटारा ब्रीजा एसयूवी में क्या क्या अपडेट हुए हैं, क्या क्या एडवांस फीचर लेस हुए हैं और इसके इंजन में क्या क्या बदलाव हुआ है, उन सारी बात करेंगे इस वीडियो में। पहले उससे पहले हम जान लेते हैं कि एसयूवी का क्रेज इंडियन मार्केट में कैसे बढ़ा। दोस्तों 2013 में इको स्पोर्ट को लॉन्च किया गया और लॉन्च होते ही ये कार लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद आई और इस कार ने सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की मार्केट को टेक ओवर कर लिया। 2013 से 2016 तक इको स्पोर्ट ने अपना खूब राज जमाया, लाखों दिलों के दिलों पर राज करता रहा। फिर 2016 में यानी 2016 में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा एसयूवी, जिसने फोर्ड इको स्पोर्ट को अपने से कई ज़्यादा पीछे छोड़ दिया और मार्केट में बेस्ट एंड हॉट सेलिंग एसयूवी कार लॉन्च होते ही बन गई। और फिर इसके बाद ब्रीजा के काफ़ी अच्छे व्यूजर्स रहे, फिर एंट्री हुई ऐसे कारों की जिसमें एडवांस फीचर और कई नए लुक के साथ और सेम प्राइस के साथ इंडियन मार्केट में आती रहे, जैसे कि रेनॉल्ट काइगर होगी, किया की सोनेट होगी और निसान की मैग्नाइट होगी। तो अभी के टाइम में ये कार मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और एक हैचबैक कार की प्राइस में एसयूवी की फील महसूस करा रही है। और ये कार लॉन्च होते ही इनकी सेलिंग काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ गई। तो वहीं अब अपनी विटारा ब्रीजा एसयूवी पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपकमिंग न्यू जनरेशन विटारा ब्रीजा एसयूवी के लुक्स और डिजाइन की। तो न्यू जनरेशन विटारा ब्रीजा एसयूवी लुक्स में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड प्रोफाइल के साथ नज़र आएगी और डिजाइन में इसे एक प्रीमियम लुक के साथ तैयार किया गया है। इसके एक्सटीरियर में आपको एक नया सुजुकी के लोगों के साथ निर्गुल को नई फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी और साथ ही आपको न्यू प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नई एलईडी टेल लाइट और नया डिजाइन का बम्पर मिलेगा। और साथ ही आपको न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी विटारा ब्रीजा एसयूवी के साइड प्रोफाइल को भी नया टच दिया जाएगा। डोर पे साइड मोल्डिंग्स और मरगार्ड दिए गए हैं और डोर के नीचे मोटी ब्लैक पट्टी प्लास्टिक लाइटिंग जो साइड प्रोफाइल को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। दोस्तों न्यू जनरेशन विटारा ब्रीजा एसयूवी के ग्राउंड क्लियरेंस में भी पहले से ज्यादा थोड़ा देखने को मिल सकता है। दोस्तों साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ऑल न्यू जनरेशन विटारा ब्रीजा एसयूवी में आपको ड्यूअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है और वहीं टायर के साथ आपको एक ब्यूटीफुल आकार का एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों आपको ये फीचर्स कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वहीं दोस्तों अब बात आती है इसके इंजन पावर की। इसमें आपको पेट्रोल इंजन में 1.5 लीटर का मिड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 104 bhp के करीब पावर देने वाला है। और ये इंजन आपको 6-speed मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। माइलेज में आपको मैनुअल के साथ 17.3 किलोमीटर प्रति लीटर की देखने को मिलेगी जबकि ऑटोमेटिक के साथ आपको 18.7 किलोमीटर प्रति लीटर की देखने को मिलेगी। दोस्तों यहीं अब आ जाते हैं न्यू मॉडल विटारा ब्रेजा एसयूवी के डीजल इंजन में। तो डीजल इंजन में आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 194 bhp के करीब पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये भी इंजन आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। दोस्तों यहीं थोड़ा ध्यान दें इसके इंटीरियर की तरफ। तो अपकमिंग विटारा ब्रेजा एसयूवी को इंटीरियर को पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 10 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस के एडवांस फीचर, यूट्यूब जैसे फीचर्स को सपोर्ट करेगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में नए सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ सुजुकी के लोगों के साथ एक नया स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी जिसमें आपको पूरा कंट्रोल देखने को मिलेगा, यानी आपको क्रूज कंट्रोल और विंडो कंट्रोल भी देखने को स्टेयरिंग में ही देखने को मिलेगा। और ये कंट्रोल आपको केवल टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में 7 इंच तक के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट, वॉइस कमांड सेफ्टी फीचर्स, 5% सीटिंग अरेंजमेंट, सनरूफ ऑप्शन, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ बात आती है लाइफ इज इम्पोर्टेंट फीचर्स की, यानी कि सेफ्टी के। तो इसके बॉडी में आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने को मिलेगी और साथ ही आपको 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा विथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल लॉन्च असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी प्रोग्राम, डाउन हिल कंट्रोल, एंटी थैप अलार्म सिस्टम जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इस फीचर के साथ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एसयूवी अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाली है और इस कार का मुकाबला इंडियन मार्केट में महिंद्रा की एक्सयूवी 300 और किया की सोनेट जैसे शानदार कारों से कड़ी टक्कर होने वाली है। वहीं अब बात आती है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एसयूवी के लॉन्च और प्राइस की। तो इंडियन मार्केट में इस कार की प्राइस न्यू मॉडल विटारा ब्रेजा एसयूवी की प्राइस 9 लाख से शुरू होकर 13 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है और इस कार को 2021 के लास्ट तक लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये कार कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको ऐसी तमाम स्मार्ट कार की वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना।